पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के लिए सोमवार को महानगर के शास्त्री चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकी हमले का विरोध किया गया। इस संबंध में छात्राओं ने बताया कि भारत सरकार को अब देर नहीं करना चाहिए, हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, इसके बदले में हमें पाकिस्तान के 400 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्राओं ने कहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मातरम, भारत ने अपनाना है, पाकिस्तान मिटाना है, भारत ने अपनाना है, पाकिस्तान मिटाना है, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, हम लोग को मोदी जी से यही कहना है, 40 के बदले 400 चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हिंदुस्तान। मैं अपने वीर शहीदों के लिए कर रही हूँ ये सब, उनकी उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, उनके लिए हम ये नारा लगा रहे हैं। और सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वो वीर शहीदों के लिए बहुत कुछ करें और उनके लिए जो भी बन सकता है वो करें। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान हमको कमज़ोर समझ रही है लेकिन हम कमज़ोर नहीं है, हमने जो कदम उठाया है सरकार हमारी सहायता करे, उसमें हमारी मदद करे, हम अपने शहीदों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।